Hare Krishna. So on the moving train, we have the 10th verse of the 16th chapter of Bhagavad Gita, which says Krishna still continues with the demoniac features and qualities of demoniac vritti. He says, Kamamashritya dushpuram dambhamanamadanvitah mohagrihitva pasadgrahan pravartante ashuchivratah. Taking shelter of insatiable lust and absorbed in conceit of pride and false prestige, the demoniac, thus illusioned, are always sworn to unclean work, attracted by the impermanent. So, हम देखते हैं, भगवान कहते हैं, कामम आश्रित्य दुष्पूरम. So, taking shelter of the insatiable lust. And what is this insatiable? What is this lust? Insatiable. अब जितना भी इसे कंट्रोल करने का प्रयास करें, ये कंट्रोल नहीं होगी. आप अगर समझते हैं या कोई भी जीव अगर समझता है कि मैं काम वासना को पूरी तरह कंट्रोल कर दूंगा, कैसे उसे संभाल करके उसको पूरा करके, whenever I feel lusty, let me engage in lustful activity. No, कृष्णा से दुष्पूरम. काम वासना के अधीन जाकर के उसे पूरा करने का प्रयास करना और सोचना कि पूरा करने के प्रयास से काम वासना शांत हो जाएगी, ये कैसा है? हमारे आचार्यगण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अग्नि में घी डाल रहा है. सो आग में घी डाल करके आग कभी शांत हुई है क्या? नहीं. वैसे ही काम वासना को पूरा करने के बाद कोई काम शांत हुआ है क्या? नहीं, ऐसा होता ही नहीं. सो कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदन्विता. दंभ और मान है, हमने देखा कि देयर इज टू मच ऑफ सेल्फ पोजेसिवनेस, देयर इज टू मच ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस. सो इन दिस केस अ डेमोनियक पर्सन ऑलवेज इज टू मच सेल्फ सेंटर्ड. इसीलिए मोहात गृहित्वा असग्राहान, मोह से अपने शरीर के प्रति और अपने सो कॉल्ड रिलेटिव्स, बैंक बैलेंस, घर, ये सब असद्ग्रहान, ये सब बहुत ही टेम्पररी हैं, ये आएंगे और चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. सो मोहात गृहित्वा, कंप्लीटली बफल्ड बाय इल्यूजन, असद्ग्रहान प्रवर्तन्ते. He takes pleasure in asadgrahan, things which are really not permanent, they are temporary. And moreover, ashuchivrata. So ashuchivrata, na sharir se na man se, kahin se bhi apne aap ko swachh nirmal rakhne ka prayas nahi karta. To is prakar se jab ek vyakti puri tarah क्रोध, काम, दंभ इत्यादि में he becomes illusion because of mode of ignorance. He doesn't work for his benefit, he doesn't work for others' benefit. There is only a wastage of his human form of life. इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसे प्रकार के अशुचि जीवन से बचना चाहिए. इसीलिए हम कहते हैं जब भी हम भक्ति में आते हैं, सबसे पहले शरीर के नियम, no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. कितना भी अगर कोई करेगा तो वो तमो गुण से ऊपर आने के लिए बहुत आगे बढ़ेगा. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे